अब हम समीकरण बनाना सीखते हैं। समीकरण दोनों पक्षों की बराबरी दिखाता है। यह कैसे बनता है, इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण एक, किसी संख्या के 3 × 4 = 13 के बराबर है। कथन में हमें कहा गया है किसी संख्या के 3 × 4 = 13 के बराबर है। यदि हम किसी संख्या को x मान लें तो x के 3 × 4 x का 3 गुना क्या होगा, x × 3, और उससे 4 का मतलब होगा -4। तो हमें गणितीय समीकरण क्या मिल रहा है, 3x + 4 जो कि बराबर है 13 के। तो हमने देखा कि हमें गणितीय समीकरण मिल रहा है 3x + 4 = 13। इस प्रकार हमें दिए गए गणितीय कथन का गणितीय समीकरण प्राप्त हुआ। उदाहरण दो, एक लड़के की वर्तमान आयु उसके 4 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी है। प्रश्न में कहा गया है कि एक लड़के की वर्तमान आयु उसके 4 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी है। तो यदि हम लड़के की वर्तमान आयु को मान लें, माना कि लड़के की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, हम किसी भी चर राशि का प्रयोग कर सकते हैं। अल्फाबेट में हमारे पास जो भी लेटर्स होते हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं, इसलिए हमने यहां मान लिया है 20 वर्ष। अब कथनानुसार वर्तमान आयु जो है उसकी 20 वर्ष हो गई, और चार वर्ष पूर्व की आयु क्या होगी, 4 यानी कि 20 × 4 वर्ष। अब पुनः संबंध देखें तो यह कहता है कि वर्तमान आयु उसके 4 वर्ष पूर्व की आयु की दुगुनी है। तो हम कह सकते हैं कि b बराबर उसके 4 वर्ष पूर्व की आयु का दुगुना। तो इस प्रकार हमने दिए गए संबंध को गणितीय समीकरण के रूप में लिखा है। इस तरह यह प्रश्न हल हुआ। आपने पिछले अध्याय में देखा कि ax / b का रूप 1 घात का एक चर का बहुपद है। अब एक चर के समीकरण के उदाहरणों में आप देखते हैं कि इन्हें ax / b = c के रूप में लिखा गया है, जहां a, b, c वास्तविक नियत संख्याएं हैं और a शून्य नहीं है। इसी प्रकार ax² + bx - c बहुपद से समीकरण बना सकते हैं। स्पष्ट है कि यहाँ ax / b = c, ax² + bx - c = d क्रमशः एक चर का 1 घात का समीकरण, एक चर का 2 घात समीकरण है, तथा a, b, c, d वास्तविक नियत संख्याएं हैं जिसमें a = 0 नहीं है। करके देखें, चर और अचर राशियों का गणितीय संक्रियाओं के साथ उपयोग कर बीजीय व्यंजक और समीकरण बनाना सीखते हैं। देखिए, हमारे पास एक राशि है 5। 5 में हमने गणितीय संक्रिया जोड़ का प्रयोग कर 5 जोड़ा और फिर उसका वर्ग करें तो हमें मिलेगा 5 + 5 पूरे का वर्ग बराबर 100। बिल्कुल इसी प्रक्रिया को यदि हम किसी चर राशि x के साथ दोहराएं तो उसमें 5 जोड़ने पर मिलेगा x + 5 और उसका वर्ग करेंगे तो प्राप्त होगा x + 5 पूरे का वर्ग। यदि हम गणितीय संक्रियाओं के क्रम को बदल दें तो फिर से राशि 5 लेकर उसका वर्ग करें और उसमें 5 जोड़ें तो मिलेगा 5² + 5 = 30। और इसे चर राशि x के साथ करें तो x का वर्ग होगा x² और उसमें 5 जोड़ने पर मिलेगा x² + 5। तो बच्चों, आप भी इसी प्रकार की गतिविधि को आगे आने वाली सारणियों में पूरा करें।